सभी की सबसे पसंदीदा एक्ट्रेसेस में शामिल रूबीना दिलैर किन दिनों खतरों के खिलाड़ी 12 को लेकर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर अक्सर अपना हॉट अवतार दिखाने वाली रूबीना को रोहित शेट्टी के शो में स्टंट करते देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। रूबीना ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वह खतरों के खिलाड़ी के लिए बहुत नर्वस हैं। I've been saying it n number of times that I am very nervous. It's not the excitement. I mean, like, आपको आपके डर का सामना करना है, मुझे लगता है एक्साइटमेंट तो वहीं ठप करके गिर जाती है। सो इट्स मोर अबाउट बीइंग नर्वस। ओके, लेकिन अभिनव से हस्बैंड से किस तरह का आपको एक एडवाइजरी कहीं ना कहीं मिली होगी, क्योंकि वो पिछले सीजन का हिस्सा रहे थे। वो जानते हैं कि मैं कितनी नर्वस हूँ, तो उन्होंने सिर्फ कहा कि यू कैन डू इट। बिग बॉस 13 के विनर रहे दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला ने खतरों के खिलाड़ी 7 भी जीता था और रूबीना दिलैर भी बिग बॉस 14 की विनर रही हैं। तो जब रूबीना से सिद्धार्थ के दोनों शो जीतने को लेकर बात की गई तो उन्होंने कुछ यू रिएक्ट किया। You'll be the first lady हम देख पाएंगे बिग बॉस में। This is a lot of pressure, please. This is a lot of pressure. Oh, I did not know के he won both, but yeah, that's commendable then. क्योंकि बिग बॉस is a different set of expertise, जहाँ पर आपको you have to overcome a different set of fears, maybe challenges, and this is going to be a different set of fears that you're going to face. So I think कोई दोनों अचीव कर पाया है तो यार इनक्रेडिबल है यार। रूबीना से जब शो के लिए उनकी तैयारियों को लेकर बात की गई तो उनका कहना था, आपको लगता है, मुझे ऐसा लगता है सॉरी कि ये एकमात्र ऐसा शो है जहाँ पर आपकी 15-20 दिन की तैयारी आई डोंट नो विल डिफाइन कि आप ये ट्रॉफी घर लेकर आ सकते हैं। बिकॉज यार आपको अपने डर का सामना करना है, तो डर का सामना ऐसा हफ्ते में या महीने में तो अचीव नहीं हो पाएगा, या फिर हफ्ते में आप एकदम सुपर पावर या कुछ एक एनर्जीज नहीं लेकर आ पाएंगे। सो आई थिंक इट इज़ व्हाट यू आर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड अब आप ऐसे स्टेज पर हैं कि आप अपना खतरा या अपने डर का सामना कैसे कर पाएंगे। INS रिपोर्ट।